तो वेलकम बैक गाइज, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग सभी को गाइज। आज पबजी मोबाइल लाइट का एक और फाइनली अपडेट आया, प्ले स्टोर पर अपडेट आया, जो कि 65 MB का है। काफ़ी डिवाइसेज में 70 MB का, काफ़ी डिवाइसेज में 65 MB का। तो अकॉर्डिंग टू डिवाइस है अपडेट, ठीक है। प्ले स्टोर अपडेट है, प्ले स्टोर पर जाकर आप एक बार पबजी मोबाइल लाइट सर्च कर दीजिए और वहाँ पर जाकर अपने गेम को अपडेट कर लीजिए। अब मैं दोस्तों वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इस अपडेट में नया है, व्हाट्स न्यू फीचर, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐड रिमूव कुछ की गई, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जरूरी देनी थी। तो गाइज यहां पर आप सिंपली सबसे पहले तो डाउनलोड कर लीजिए इस एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर भी है और यहां पर अपना साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन के अंदर आ जाइए। इसमें आपको इतने सारे गेम्स देखने को मिलेंगे, पबजी मोबाइल, पबजी मोबाइल लाइट, फ्री फायर, ठीक है। पबजी मोबाइल लाइट अपना मेन मोटिव, और यहां पर देखिए भाई, 10 रुपये एंट्री फीस देकर आप कितना जीत सकते हो, मतलब 1000 रुपये तक जीत सकते हो, ठीक है। और 30 रुपये एंट्री फीस देकर आप मतलब 1500, 1000, 2000, मतलब कम एंट्री फीस में ज़्यादा अमाउंट आप अर्न कर सकते हो, जैसे कि 20 रुपये देकर 1000 रुपये तक। मतलब ऐसी एप्लीकेशन भाई बहुत कम प्रोवाइड करती है, जैसे कि कम एंट्री फीस में आपको ज़्यादा मतलब विनिंग प्रोवाइड करना, ये भाई बहुत ही कम एप्लीकेशन करती है, ठीक है। और यहाँ पर भाई तबाही वाली अर्निंग तो जब आ जाती है, जब आप वॉच एंड अर्न मिनियो पर लक्की ड्रॉ का एक ऑप्शन देखोगे। लक्की ड्रॉ में ना आपको फ्री में भाई इतने सारे मतलब रॉयल पास के, विनर पास के गिव अवे देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो लीडरबोर्ड में कि कितने बंदों ने जीता हुआ है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप कस्टमर सपोर्ट से चैट तक कर सकते हो, अगर आपकी अर्निंग में मतलब कोई आपकी विनिंग अमाउंट कोई भी दिक्कत आती है, जो फुल सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई अर्निंग दबा के करनी है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, इस जो अपडेट आया प्ले स्टोर पर अपडेट आया 70 MB का, ठीक है, किसी किसी डिवाइस में 65 MB का भी अपडेट आया, तो इसमें क्या कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, व्हाट्स न्यू, क्या क्या मतलब इसमें ऐड रिमूव किया गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, लोकेशन के हिसाब से तो हमने सब कुछ देख लिया, कुछ भी ऐड रिमूव नहीं किया गया, ना कोई मतलब ग्लिच भी फिक्स तक नहीं किया गया इस अपडेट में, लेकिन दे दिया भाई प्ले स्टोर पर 70 MB का अपडेट। अब दोस्तों यहां पर मैं एक बात और जानकर हैरान हूं कि भाई इसमें ना एम असिस्ट पहले भाई गेम में बिल्कुल ही बेकार कर दिया गया था, ठीक है, एम लग ही नहीं रहा था, लो एंड डिवाइसेस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, क्योंकि भाई एम असिस्ट के बिना, देखो एम असिस्ट अगर पूरा ऑफ कर दे कोई दिक्कत, लेकिन डैमेज तो भाई कम से कम पबजी मोबाइल के जैसा करना चाहिए था, ठीक है। तो कई बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे लोग खुश भी थे इससे, लेकिन काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे कि भाई प्लीज यार इसका सॉल्यूशन बता। तो इस अपडेट में, ठीक है, एम असिस्ट को फिर से सही कर दिया गया है। अब दोस्तों कितना सही कर दिया है ये मेरे को भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि भाई मैंने जितना खेला है ना, ठीक है, मैंने पूरा मतलब खेल कर नहीं देखा, थोड़ा बहुत खेला, एक दो मैच खेले इसके, ठीक है, उससे मैं मतलब ज्यादा कन्फर्म ज्यादा श्योर नहीं हूं कि भाई इसको पूरा का पूरा पहले जैसा एम असिस्ट कर दिया गया। तो आप एक बार ना ट्राई करो, देखो भाई प्ले, देखो इन गेम अपडेट आया था तो सबको पता चल जाता है, बाकी मेरा जो फायर का वो था ना ग्लिच, वो फिक्स हो गया। जैसे कि आप फायर बटन ऊपर देख सकते हो, पिछली मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भाई फायर रेट मतलब सॉरी फायर रेट बोल दिया, मतलब फायर का जो बटन है ना वो ऊपर कोने में था ही नहीं, मतलब और ही कहीं था, अजीब वगरी मतलब कुछ और कंट्रोल हो गए थे, तो वो तो मेरा फिक्स हो गया, ठीक है। अब आपका फिक्स हुआ नहीं, कमेंट करके आप मेरे को बता देना। और एक और बात, M16A4 का तो भाई डैमेज मतलब बड़ा है, डैमेज तो थोड़ा इंक्रीज किया इन्होंने, ठीक है, और एम असिस्ट का आप मेरे को बताना, खेल के बताना। अब कैसे खेल के बताओ मैं आपको बता, देखो भाई इन गेम अपडेट आता है सबको पता चल जाता है, लेकिन ये कोई इन गेम अपडेट नहीं है, ये प्ले स्टोर अपडेट है। जब आप अपडेट करोगे मैनुअली, काफ़ी सारों का ऑटो अपडेट ऑन रहता है, बैकग्राउंड में अपडेट हो जाता है, काफ़ी का ऑटो अपडेट बंद रहता है, बैकग्राउंड में अपडेट नहीं हो पाता। तो आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पर जाइए, पबजी मोबाइल लाइट लिखिए और अपडेट कर दीजिए, क्योंकि प्ले स्टोर पर बहुत कम अपडेट आते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पर तभी अपडेट आता है जब कोई बड़ा अपडेट हो, 500 MB, 600 MB, ठीक है, तो 700, 600 MB ये अपडेट इतना खास नहीं आता है, ठीक है। तो एक बार ना जाकर आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद खेलिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा, क्या कुछ फिक्स किया है, एम असिस्ट सही किया है या फिर नहीं किया है। भाई मैं तो क्लोज पर ही खेल रहा था एम असिस्ट, बाद में पता चला, लेकिन आई थिंक फिक्स कर दिया गया है, मैं क्लोज पर ही खेलता हूँ, मतलब डिसेबल करके रखता हूँ। तो बस यही दोस्तों एक न्यूज़ आपको देनी थी सुबह सुबह कि अपडेट आया हुआ है, प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लीजिए, बाकी आप मेरे को बताना कि क्या कुछ इसमें नया ऐड रिमूव किया गया, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को इसी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डेली मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।